और कुछ नहीं चाहिए। ये दोस्तों बहुत कहती है सरोज कि सब फल खाएंगे लेकिन एक फल नहीं खाएंगे तब भी मैं जीवित रह सकती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं यह बात कहाँ। हाँ दोस्तों, सब लोग का स्वागत है सोनी सर चैनल में। आशा करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इधर देख सकते हैं हम अपने खेत में आए हैं। हमारे खेत में बहुत नुकसान, भी ताजा ताजा खीरा खा रहे हैं। जानते हैं ताजा ताजा खेत में कुछ खास का स्वाद कुछ अलग लगता है। अब मार्केट में से आता है तो खरीदा कर उसका स्वाद कुछ अलग लगता है। कोई भी साग सब्जी अगर ताजा कुछ खा रहा तो अच्छा लगता है। जैसे खीरा हुआ बहुत अच्छा लगता है। भाई सबको नहीं बुलाओगी, अपने दोस्तों को। सारा खीरा है अभी लोग कर दिए बचा है रखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हमारे खेत में कितना सारा खीरा है। भैंस को लोग छोड़ दे रही हैं खाने के लिए। भैंस को नुकसान भी कर दे रहे हैं, तक पूरा खा भी नहीं रहा। यही सब बचा रहता तो आप लोगों के काम भी आता खाने के लिए। सबको सभी लोग के लिए काम आता। पाँच पाँच भैंस लोग छोड़ दी थी खेत में, इतना सारा नुकसान कर दी थी यहाँ पर आप लोगों को। हाँ, मामू लोग कैसे है आप लोग? कैसे हैं बोलो। तो खीरा खा लीजिए। खाएंगे खीरा? पूछो बोल दो। खा लीजिए आप भी लोग खीरा। खीरा खा रही है रात बहुत मीठा है। हाँ। चुम्मा दे देना मामू लोगों के। दे दो ऐसी, दे दो ऐसी, दे दो। देखिए तो इतनी छोटी बच्ची है अपने मामू लोगों को चुम्मा दे रही है, अपने मामी लोगों को। कोई भी रोता रहेगा ज्यादा तो हंसा देती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक जरूरी मैटर पर बात करने जा रही हूँ। एक भाई साहब ने कमेंट किया था, सुरत तुम अपने पति के बिना कैसे रह जाती हो और तुम्हारा पति तुम कैसी औरत, मतलब अपने पति। उनका कमेंट पढ़कर मैं बहुत सोचने गहरी सोचने पड़ गई। उनका भी कम सही मतलब सही जवाब सवाल किए हैं वो अपने तरफ से कि बहुत इस जमाने में कोई जल्दी शादी अगर हो जाता है तो बहुत लोग ऐसी औरतें तो जल्दी पति के बिना नहीं रह पाती हैं। लेकिन मैं क्या करूं दोस्तों, मैं मेरे दो बच्चे हो गए। मैं दो बच्चों के चेहरा देखते देखते मैं इतना दिन मेरा हो गया और मैं उनके चक्कर में सुधारते सुधारते मेरी आधी ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई। और जो इंसान आपका कदर ना करे, आपको बेइज्जत करता रहे, मारता रहे, पीटता रहे, तो उसके साथ क्या कोई मतलब जिंदगी बिता पाएगा जहाँ पर इज्जत ना मिले आपको, इज्जत ना मिले, जान से मारने के लिए तैयार हो जाए। और तो इसीलिए दोस्तों जानते हैं ना, कोई भी इंसान रहेगा तो मान लीजिए दो बच्चे हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए आजकल के ज़माने में बहुत सी है, सरोज भर नहीं है मैं, लेकिन सरोज का अंतर यह है कि सरोज अभी बहुत कम उम्र की है, लेकिन कम उम्र में शादी हुआ और दो बच्चे हो गए, लेकिन अपने आप को बदल दी। मैं भी परिवार के लोग सोच नहीं सकते जानते एक बात सरोज कैसे रह पाएगी। तो एक बात और देखे कहना, मैं जब मेरी नई मैं दुल्हन बनकर गई थी उस घर में, नई मेरी जब शादी हुई थी, मैं उस समय सोचती थी कि मैं इतना प्यार करूं, इतना प्यार दूंगी अपने पति के अपने घर। उस समय मैं बहुत सोचती मैं कभी छोड़ूंगी नहीं अपने पति का साथ, कुछ भी हो जाए मैं अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उस समय मैं उसको बहुत मानती थी, बहुत जान छिड़कती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उसको। बहुत बार मैं चांस दी कि अब से सुधर जाए, हमारे इतना अगर कोई लड़की हमारे पहले जो कोई रहती ना, बहुत पहले जब बच्चे रहे होते तभी वो छोड़ दी थी। लेकिन मैं सुधारते सुधारते मेरे दो बच्चे हो गए, मैं अपनी ज़िंदगी अब बच्चों में अब धीरे धीरे भूल जाती हूँ कि अब मेरी शादी हुई थी क्या हुई भी नहीं। अब जानती कि बच्चे का बस जानती है बच्चे हमारे हैं, अब बच्चों के लिए बस मुझे जीना है और कुछ नहीं चाहिए। ये दोस्तों बहुत कहती है सरोज कि सब फल खाएंगे लेकिन एक फल नहीं खाएंगे तब भी मैं जीवित रह सकती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं यह बात कहाँ से उठ रहा है कि सब फल का मतलब क्या है और एक फल का मतलब क्या है। मतलब जिसका पति नहीं है तभी अपने बच्चों के लिए यह अपना जीवन व्यतीत पूरा जीवन व्यतीत कर दे, जिसका यही कहना है। तो दोस्तों, जो आपने भाई साहब ने कमेंट किया है, बहुत आप सोच समझ के बहुत अच्छा कमेंट आपने किया। आपका कमेंट पढ़कर मैं दो दिन बहुत सोच में पड़ गई थी, तीसरे सोचा मैं आपको कुछ सवाल का जवाब आप मतलब अच्छा कमेंट किए हैं, आप बुरा मत मानिएगा हमारी कोई बात को। आपके सवाल का जवाब मैं दे दी, इसलिए मैं आपसे यही कह रही हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। जो बहुत लोग हैं नहीं रह पाते हैं फिर से, बहुत समय का अवसर बदलना पड़ जाता है। भगवान ने ऐसी शक्ति दे दी है ना कि महिलाओं के अंदर ना कि वो अपने आप को बदल लेती है, क्योंकि अब बस उस शक्ति को पहचानना पड़ता है। तो दोस्तों बस यहीं पर हम अपना वीडियो को एंड करने जा रहे हैं, और जो भी गलती होगा दोस्तों आप लोग माफ कर दीजिएगा दोस्तों।